सन्मान गुरु रूप सात संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मार्ग दो मन्ने ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने, एक रस्ता लोक दी सफलता है, एक रस्ता परलोक दी सफलता है। लोक परलोक, लोक बाहर पिया है परलोक अंदर है। लोक दी सफलता जिन्हां तरीकियां नाल हुंदी है, जिन्हां साधना नाल हुंदी है, उन्हां ही साधना नूं अगर अंदर जाण वास्ते वरतीए तां कहिंदे ने ढेंदी कला दा कारण बन जांदे ने। चढ़दी कला ते ढेंदी कला एकाग्रता बख्शणी। जिन्हां जिन्हां साधना दा उपयोग करके असी संसार विच तरक्की करदे हां, इही साधन परमात्मा दे मार्ग विच ढेंदी कला दा कारण बन जांदे ने। संसार विच तरक्की अधर्म नाल भी हो सकती है, झूठ नाल भी हो सकती है, ठगियां नाल भी हो सकती है, कठोरता नाल भी हो सकती है, लेकिन धर्म दे मार्ग ते उन्नति इन्ना वसीलियां नाल नहीं होगी, इन्ना साधना दे नाल नहीं होगी। इस वास्ते सच तक पहुंचन वास्ते सब तो पहले बाबे ने धर्म कह दिता, धर्म लाजमी है। धर्म ही एक साधन है सच तक पहुंचने का। लेकिन संसार विच सफलता बंदा अधर्म नाल भी प्राप्त कर सकता, अधर्मी मनुख भी संसार विच गतिमान हो जाते हैं और संसार विच शिखरता नूं छू लेंदे ने। लेकिन जिन्ना जिन्ना वसीलियां नाल कई दफा संसार विच तरक्की मिलती है, परमार्थ दे रस्ते विच उढ़ेंदी कला दा कारण बन जांदे ने। संसार विच झूठ फरेब कठोरता तरक्की दा बायस बन सकदे ने, पर धर्म दे मार्ग ते नहीं। सच तक पहुंचण वास्ते इह बाधा है। तो धर्म दी बहुत मैं लंबी चौड़ी व्याख्या ना करां, क्योंकि कई दिनां तो आप सरवण कर रहे हो। जीवन नूं कोई विशेष तरतीब देनी और जाप जारी रहना, जाप है पर विधि विधान नहीं ते गल नहीं बनेगी। भोजन दी बुरकी मेरे मुंह विच होवे, मैं थल्ले ना करां, भुख नहीं मिटेगी, स्वाद आ जाएगा, भुख नहीं मिटेगी। पानी दा घुट सिर्फ मेरे मुंह च होवे, मैं थल्ले ना करां, इहदे नाल प्यास नहीं बुझणी, होंठां दी खुशकी दूर हो जाएगी। सतगुर दी बाणी सिर्फ रसना ते है, कुछ भी नहीं होना। सारी जिंदगी कोई पढ़दा रहे और कई पढ़दे रहिंदे ना, कोई तब्दीली नहीं। जिवें हुण भोजन दी बुरकी सिर्फ मेरे मुंह च होवे, मैं मुंह च ही रख लवां, कंठ तो थल्ले ना करां, खून नहीं बनेगा, पेट नहीं भरेगा, भुख नहीं मिटनी। सतगुरु दे शब्द सिर्फ रसना ते ने, कुछ भी नहीं होएगा। चार चार डिवटियां भी कई देंदे ने अखंड पाठ दीआं, और कई विचार जो मेरी तरह थोड़ी जिहा अर्थबोध नूं समझण दी कोशिश करदे नूं सारा सारा दिन भी पढ़दे रहिंदे। सतगुरु दी बाणी अगर सिर्फ रसना ते है, कोई तब्दीली नहीं आवेगी। इते जिन को नदर कर्म होवे, हिरदे तिना समाणी। भोजन दी बुरकी कंठ तो थल्ले जावे, पेट भरेगा, भुख मिटेगी। सतगुर दी बाणी हिरदे तक पहुंचे ता ही कोई रस बनेगा, ता ही कोई आनंद बनेगा, वरना नहीं। तो ऐसा दिखाई देंदा कईयों ने जबान तक ही रोक के रखी हुई है, अगे नहीं जान देंगे। इस वास्ते मनुख दे अंतिशकरण नूं फोल के वेखी ते शब्द कोई नहीं, गुरबाणी नहीं है, अंदर गई नहीं। जिनको नगर कर्म होवे, हिरदे तना समाणी। जाप आरंभ है ते सहजे सहजे जाप अगर अंदर जा रहा है तो तब्दीलियां आणगियां ते मनुख पहुंचेगा कर्म खंड ते।
जिस दे बारे पातशाह कहंदे ने कि लीनता नसीब हो जाती है कर्म खंड की बाणी जोर, ये बणतर बड़ी जोर वाली है, बाणी च जोर आ जाता है। साढ़े देश के ऋषि मुनिया ने कुछ इस तरीके के चक्र चेन दसे ने कि यह बंदा कर्म खंड तक पहुँच गया। साहबां दी बाणी दे छी अनेक इस तरह के वाक आते हैं, कुछ मैं थोड़े सामने रखे ने और रखने ने। गुजड़ा लधम लाल मथे ही प्रगट किया। साहब कहते हैं एक गुजा रतन सानू लभ पिया और वह प्रगट हो गया। गुजड़ा लधम लाल ये ठेठ लेंदी पंजाबी है, भावलपुर मियाँ वाली झंग मगैणे की जिहड़ी बोली इसनू लेंदी पंजाबी कहिंदे ने, ते लेंदी पंजाबी दे बहुत सारे शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे चने। गुजड़ा लधम लाल मथे ही प्रगट किया, एक रतन एक लाल लभे और मस्तक ते प्रगट होया, मथे ते उहदी झलक पई है। इस मस्तक के आले दुआले एक आभा मंडल बन जाता है जिन्हों प्रभा मंडल भी कहते हैं। कई दफा तुम महापुरशों की तस्वीर देखिया हो मस्तक के कोलो एक रोशनी दिखाते हैं, इनू संस्कृत कहें प्रभा मंडल आभा मंडल। जिस वक्त दसम द्वार खुल जाता है और मनुख कर्म खंड पहुँच जाता है उसके मस्तक ये प्रभा मंडल प्रगट होता है, जिसका जिक्र साहब करते पे ने कि गुजड़ा लधम लाल मथे ही प्रगट किया। मस्तक तो ही ये लहर निकल दिया, मस्तक दे चों ही ये नूर निकलता। भिरगू ने इसकी पहचान कुछ होर कराई है। भिरगू कहता है कि जिहड़ा कर्मखंड तक पहुँच जाता है वो हथ दे या पैरों दे पदम बनता है। पद्म कहिंदे ने कमल दे फुल नूं, भी उस महापुरश दे हाथ दे च या पैरां दे च पद्म जरूर बनेगा। होर बिस्तर ऋषि मुनियां दियां लिखत पुस्तकां ते धर्म ग्रंथ वाचन दा मौका मिले है, उन्होंने अपने अपने ढंग नाल लिखे है भी कुछ ना कुछ चक्र चेन जरूर प्रगट होंदे ने। गुरु अमरदास जी महाराज दे हरिद्वार दे च एक ब्राह्मण ने दर्शन किए, पैरां च पद्म सी ते मत्था टेकन लग पिया। साहब कहन लगे पुरखा तू ब्राह्मण ते ब्राह्मण होके तू पूज होके क्यों मैं मत्था टेकदा। ब्राह्मण कहन लगा महाराज थोड़े चरणों में पद्म है। इतिहास कहता भाई थोड़े चरणों में पद्म है ते ये जिहड़ा पद्म है ये किसी ब्रह्म ज्ञानी के चरणों च होंदा, किसी कर्म खंड तक पहुंचे हुए महापुरश के कदमों चाहता। इतिहास कहता है कि पदम श्री कृष्ण के चरणों भी सी, भाई गुरदास जी ने उसका जिक्र भी किया। भाई साहब कहते हैं चरण कमल विच पदम है झिलमिल झमके वांगू तारे, जाय सुता प्रभास विच गोडे ऊपर पैर पसारे। चरण कमल विच पद्म है झिलमिल झमके वांगू तारे। कर्मखंड की गल मैं थोड़े सामने रख रहा भी कुछ ना कुछ चक्र चैन प्रगट आते हैं। प्रभास एक तीरथ है जमुना के कंडे ते, इत्थे आके श्री कृष्ण लेट गए, चरणों विच पद्म सी। एक शिकारी जो हिरण की तलाश दे से उन्हों संध्या दे वक्त एक पद्म इंज दिखाई दिता जैसे हिरण की अख होती है, उन्हें खिच के बाण मारिया ये श्री कृष्ण नूं लगे। लंबी चौड़ी कथा ना बयान करा, पद्म श्री कृष्ण के चरणों च सी, साढ़े देश के अनेक ऋषि मुनिया के हाथों या पैरों च पद्म सी। पद्म के दर्शन ब्राह्मण नूं हरिद्वार दे च साहिब गुरु अर्जन अमरदास जी के चरणों तो होए और बार बार मत्था टेकदा। साहब कहिंदे ने उस ब्राह्मण नूं मैं कोई पंडित नहीं हाँ, ब्रह्मज्ञानी नहीं हाँ,
मैं कोई गुरु ते रैबरी पुरुष नहीं हाँ, तू एवें भुलदा है, तेरी विद्या झूठी है। ब्राह्मण कहन लगा, नहीं महाराज, ये भिरगो पंडित की विद्या है, झूठी नहीं हो सकती। भिरगो हिंदुस्तान विच एक ऐसा ऋषि होया जिसने सब तो पहले ज्योतिष विद्या नू जन्म दिता। कहिंदे इस तो पहले संसार विच किधरे भी ज्योतिष विद्या नहीं सी। ज्योतिष विद्या का जन्मदाता भिरगो है और उसने ग्रह नक्षत्रां का अध्ययन किया। ग्रह नक्षत्र मनुख के उत्ते किस तरीके नाल प्रभाव पाते हैं, तो मनुख के मानसिक मंडल में जो तब्दीली आती है तो उसके शरीर में भी कुछ पलटे आते। इस संबंध में भिरगो ने बहुत लंबा चौड़ा अध्ययन किया और फिर भिरगो संज्ञा नाम का उसने ग्रंथ भी लिखा जिहड़ा कि करीबन करीबन मौजूद है। और वह ग्रंथ ज्योतिष का ही ग्रंथ है, ग्रह नक्षत्रां का ग्रंथ है। हैगा तो यह ऋषि मुनि से पर किसी हद तक तबीयत इसकी विज्ञानक दी सी, साइंसदान दी सी। एक ग्रह नक्षत्रां की खोज विच पै गए और इस नतीजे पर पहुंचया कि जिस मनुख का मन बिल्कुल टिक जाता है, जिसका हिरदा बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, उसके हथ दे ते पैरों च पदम बनता है, पदम लाजमी होगा। यह मनोत हिंदुस्तान विच अज भी है और लोग कहते हैं जे हथ विच पदम नहीं तो पैर विच पदम नहीं ये ऋषि नहीं है, ये संत नहीं है, ये भगत नहीं है। क्योंकि मन की एकाग्रता दे नाल कुछ ना कुछ तो पलटा आउंदा है। गुजड़ा लधम लाल मथे ही प्रगट थिया, या तो मस्तक ते प्रगट होवे प्रभा मंडल बने, ते जे प्रभा मंडल भी नहीं बनया तो हत्थां च पदम बने, पैरां च पदम बने। विचार जिहड़ी मैं थोड़े सामने रख रहा गुरबाणी ते देश दे होर महात्मा लोगों दे। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज करीबन करीबन जगत दे सांझे ग्रंथ ने। एक सांझा जिहा धर्म लै के गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज अगे चलते हैं। ये सिर्फ एक टोला नहीं आता, अल्लाह अल्लाह की बंदगी करन वाला भी कुछ लभ सकता है, राम की धुन अलापन वाला भी गुरु ग्रंथ साहब के चों कुछ लभ सकता है, कृष्ण का भगत भी गुरु ग्रंथ साहब तो कुछ प्रेरणा ले सकता है। इत्थे बकायदा शब्द ने धन धन ओ राम बेन बाजे, मधुर मधुर धुन अनहद गाजे। संसार विच अक्सर झगड़ा मजहब के नाम से होंदा सी और हुण भी है। इस वास्ते कई ने ऐसा सोचा कि मजहब नूं जिंदगी दे चों कढ दे। धर्म के नाम के उत्ते बड़े खून खराबे होंदे ने, यहूदी लड़दे रहे ईसाइयां नाल, फिर मुसलमानां नाल, ते हुण भी यहूदियां ते मुसलमानां दी कोई बनदी ते नहीं, एक दूजे दे खून दे प्यासे बैठे। हिंदू मुसलम फसाद अक्सर सदियां तो साडे देश दे चौंदा रहे। बोधी सनातनी लड़दे रहे, जैनी बोधी लड़दे रहे। मजहब के नाम के उत्ते इतना खून खराबा होया है कि कुछ सियाने मनुखा ने फैसला ही कर दिता मनुख की जिंदगी दे चों मजहब कढ दे। एक वाहिद रैबर हिंदुस्तान विच प्रगट होया साहिब गुरु नानक देव जी, कहन लगे मजहब नू धर्म नू कढ़न दी लोड़ नहीं, धर्म दी रूपरेखा ही ऐसी बना दिओ कि सारियां नू काबले कबूल होवे, सारियां नू प्रवान होवे। तो मंदिर दे गुंबद मस्जिद नाल टकरांदे सन, सुन्नत किसी हद तक जनेऊ नाल टकरांदी सी, कुरान ते कुरान दा बड़ा भारी टकराव सी, रोजे ते वर्त आपस दे टकरांदे सन। आज ऐसा एक महापुरुष आया जिसने मंदिर दे गुंबद ते मस्जिद दे गुंबद एक कर दिते, रोजा ते वर्त जोड़ दिते, कुरान ते कुरान दी बड़ी नेड़ता की, सुन्नत ते जनेऊ नू आप बहुत नेड़े लिया, वितकरे मिटाने की कोशिश की। अजान सिर्फ मस्जिद विच गूंजदी सी और मुरली की तान सिर्फ मंदिरां विच गूंजदी सी, और अजान ते मुरली की तान करके अक्सर झगड़ा हो जाता सी। कहिंदे सने जिहड़ी तान है संगीत दी ते मस्जिद के सामने नहीं गूंज सकदी।
और साफ पुजारी कह दिंदा सी जिहड़ी अजान है ये मंदिर दे गुंबदां दे नाल नहीं टकरानी चाहिए, अपवित्र है। तो किसे ऐसे धर्म की लोड़ पै गई सी जिथे अजान भी होवे ते मुरली की तान भी होवे, और ये दोवें गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च मौजूद ने। मुरली की तान बकायदा मौजूद है, धन धन ओ राम बेन बाजे। मुतस्बी बंदे तंग दिल बंदे ना गुरु ग्रंथ साहब नूं समझ सकणगे ते ना ही खिमा करने उस सिखी का रस माण सकणगे। इस वास्ते जिस ढंग की सिखी की रूपरेखा बनाई जा रही है और बड़ी तंग की जा रही है, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के सार का पता ही नहीं है। इत्थे मुरली की तान ते मस्जिद की अजान कट्ठी पई गूंजदी है। इत्थे रोजे ते वर्त दे विकटे मिटाण की कोशिश की गई। इत्थे कुरान ते पुराण नूं इक करन दी कोशिश कीती गई। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान है, कहूं जच गंधर्व उरग कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिसाच कहूं प्रेत हो, कहूं होए के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो, कहूं होए के तुरका पुकारे बांग देत। साहिब कहिंदे मैं देखदा किधरे तू कुरान दियां अजान ते आयतां गुंजार पांदा पे चढ़ के मस्जिद दे मुनारे ते, ते किधरे पुराण ते गायत्री दे जाप तो करदा पे गुपत होके, काहू होए के हिंदुआ गायत्री को गुपत जप्यो, काहू होए के तुरका पुकारे बांग देत हो, कहूं को बकाव होए पुराण को पड़त मत, कत हूं कुरान को निदान जान ले दो। कलगीधर पातशाह कहिंदे किधरे तू कुरान दा हाफिज है ते किधरे तू पुराणा दा ज्ञाता है। मैं कुर्बान जाना किधरे तू कुरान दा इलम लई बैठा है, किधरे तू पुराण दा इलम लई बैठा है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वाक। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने जगत दे सामने एक ऐसा धर्म रखिया जो सारे जगत वास्ते काबले कबूल होवे, प्रवान होवे। तो मुरली दी तान दे नाल भी नफरत ना होवे थां दे दित्ती गई, धन धन बन खंड बिंदरा बना, जय खेले श्री नारायणा, बेन बजावे गोधन चरे, नामे का स्वामी आनंद करे। मुरली बज रही है बिंदरा बन दे तट ते, धन है ओ मां देव की जिसदा ए पुत्र है, धन धन तू माता देव की, जह ग्रह रमैये कमलापति। धन धन मेघा रुमावली, धन धन कृष्ण ओडे कामली। ये सारे वाक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच मौजूद। फिर अजान भी है, बेनमाजा कुत्तिया ए ना भली रीत, कदे चलना आया पंजे वकत मसीत। हुण पंज टाइम असी कोई मसीत विच नहीं जाते। जे मसीत का अर्थ तुसी गुरुद्वारा करो तो असी कोई पंज टाइम थोड़ी आंदे, दो टाइम आंदे। इत्थे सानू आ गया दो टाइम की, ये पंज टाइम का लिखा है। तो सीधा ये उपदेश मुसलमान वास्ते है, ए नमाज तोहीने कुत्ते, बेनमाजा कुत्तिया ए ना भली रीत, कदी चलना आया पंजे वक्त मसीद, उठ फरीदा उजू साज सुबह नमाज गुजार, जो सिर साई ना निवे सो सिर कप उतार। और कोई नमाजी होवे पक्का नमाजी तो सिख तो उसनू गलवकड़ी च लवेगा, क्योंकि नमाजी उन्हें गुरु ग्रंथ साहब का हुक्म मने, सतगुरु के बचन मने ने, बाणी तो साढ़े सतगुरु की ना गुरु ग्रंथ साहब की है, और साढ़े गुरु तो यह उपदेश जगत को मिल रहा है। कोई पुरख है तो नमाज के आसरे से अगर पहुँचना चाहना है खुदा तक जरूर पढ़। नमाज भी पुचा दें, कुरान भी पुचा दें, कुरान भी पुचा दें। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो न विचार। क्यों झूठा कहना है? जगत के धर्म ग्रंथा नू तू ही झूठा है। हर ग्रंथ दे ये सिफत ने वह पहुँचा सकती। किसी सांझे धर्म की लोड़ से जो नफरत ना करे, वितकरे ना करे। सिख का जिगरा इतना विशाल चाहिए कि नमाजी नू भी गलवकड़ी च लै सके, ते गायत्री दे जाप करन वाले नू भी गलवकड़ी च लै सके। ते जे सिख सिख दे हथों पानी का गिलास ही ना लवे, खिमा करनी उसने गुरु ग्रंथ साहब के सिद्धांत को समझे ही नहीं, कख भी नहीं समझे, जाने ही नहीं।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਮਹਿਰਸ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਸੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮਧਸੂਦਨ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਦੀ ਰਟਨ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ, ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਉਂ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਨਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ, ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਧੁਨ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਝੂਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਰਾਮ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਓ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣੇਗੀ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕਹਿਣਾ, ਹਮ ਸਭ ਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਉੱਥੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮੰਨੋਗੇ? ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਆਖਿਰ ਲੋਕ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਵਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਦ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰੇ, ਕੀ ਝਗੜਾ ਸੀ? ਮਜ਼ਹਬੀ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ ਵੀ ਟਿੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਝਗੜਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਯਹੂਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਈਸਾ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਸਾ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਉਲਟ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੰਗ ਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਕੁਛ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੋ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੀ ਖਲ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਰਮਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜੋ ਬੜਾ ਤੰਗ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੰਗ ਦਿਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦ ਜਿਗਰਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ,
जे जाहिर करा इसरार ताहीं सारे भुल जावन तकरार ताहीं फिर मारन बुले यार थाई थे गुप्ती बात सुखींदी। कहिंदा नहीं जिहड़ी गल मैं जानी है जे मैं कह दिया फिर जगत नाल मेरी बननी कोई नहीं ते मैनू मारनगे। ये तंग दिल बंदे ये मुतसबी बंदे जिन्होंने गल नू समझे जिहड़ा बंदा पवित्र हो गया ना यकीन जानो जहर नू भी हथ लाएगा अमृत हो जाएगी। मीरां दे अगों जहर दा प्याला रखिया गया पी गई हालांकि उन्हू मारन वास्ते रखिया गया सी मर जाए। अंदर मन इतना टिकिया सी इतने टिकाओ च बैठी सी उसके पति ने यह जहर का प्याला भेजिया राणे ने उदयपुर के राणे ने क्योंकि थां थां ते गीत गाण लग पई सी इतना भजन और इतनी लीनता हो गई कि घर वालियां नू इसकी लीनता नहीं चंगी लगी। राजपूतां दा घर सी पड़वे की गल सी और ये महाराणी सरेआम गीत गाण लग पई सी उन्हां नू नहीं चंगी लगी ये गल। जहर का प्याला भेजिया और आखिर चरणामृत है श्री कृष्ण के चरणों का जल है पी गए और तीन ने जहर अमृत बन गया उसका अंत नहीं हो। पुरखा तू सिख के हथ का कड़ा प्रसाद ना लाया आखे भी ये तो झूठा हो गया तो पवित्र हो गया नहीं तू आप ही झूठा है। प्रसाद तो पवित्र जिस दे उत्ते आनंद साहब का पाठ हो गया और जो सतगुरों की हजूरी च रखा गया तो अजे भी नहीं पवित्र होया तो सिर्फ तू ही पवित्र। इस तरह के वितकरियां नूं जन्म उन्हां मनुखां ने दिता है जिन्हां नूं कख भी बाणी दी बोध नहीं बाणी दी समझ नहीं बाणी नूं समझण दी कोशिश भी नहीं कीती। पुरखा इत्थे ते करीबन करीबन तू ऐसा सिद्धांतिक नुकता रख कि मुसलमान भी तेरे नाल बगलगीर हो सके। अगर ये वितकरा गुरु अर्जन देव जी रखते तो मेरे ख्याल हरिमंदर साहब की नींह रखण वास्ते फिर उस साईं मियां मीर नूं कदे ना कहिंदे वी पुरखा तू रख। अज का कोई मुतसबी आता तो उन्हें तो कह देना सी साईं मियां मीर के हथों से पानी नहीं पीना नहीं कौन रखवाया पर नहीं मेरे पातशाह ने नहीं पत्थर रखा। इस सूफी फकीर तो जो मुसलमान से जिहदा रटन अल्लाह अल्लाह हुंदा सी जो कुरान का हाफिज़ सी। खैर मैं इतनी अर्ज करा ज्यों ज्यों बाणी मनुख के अंदर वसेगी कुछ तब्दीलियां ऐसा आनगियां जो संसार नाल मेल नहीं खाणगे। जिगरा बड़ा विशाल होगा दिमाग बड़ा विशाल होगा तंग दिली मिटेगी और विशालता बहुत वड्डी दया नू जन्म देवेगी। ऐसे वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज मक्के भी चले गए भाई जिहड़ी गल मैं हरिद्वार के ब्राह्मणा नू दसी है सुमेर पर्वत के जोगियां नू दसी है ये गल मक्के के हाजियां नू भी दसावां उन्हां दी झोली भी भर जाए उन्हां नू भी कुछ मिल जाए। इतनी वड्डी दया वितकरा नहीं है उत्थे भी पहुंच गए और जिथे हरिद्वार के ब्राह्मणों नाल चर्चा करते हैं मक्के के हाजियों नाल भी चर्चा करते हैं। समुचे अरब देशों मुसलमान सन और कई साल मेरे पातशाह ने अरब देशों का रटन किया। अगर विकरे वाली गल करते तो मरदाना मुसलमान से इतनी मैरज कर दे। मैं जन्म साखी एक दिन पढ़ रहा से मरदाने की घरवाली मरदाने ते ताने मारती है भी मुस्लिम बीबियां अक्सर कहदियां ने भी तेरा जिहड़ा पति है एक हिंदू फकीर के पिछे रबाब चुकी फिरदा है इस्लाम की नक कटा दिती। मरदानी की घरवाली ने यह मरदाने नूं बोल गए भी लोग इंज कहते हैं भी तेरा खसम एक हिंदू फकीर के पिछे रबाब चुकी फिरदा है। फिर मरदाना कहिंदा फिर तू की आख्या तू की जवाब दिता भी मैं तो कुछ नहीं आख्या भी तू कहा कर जिदे पिछे मैं रबाब चुकी फिरदा ना हिंदू है ना मुसलमान है। गुरु नानक ने साफ किया ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड पर यही गल कबीर ने कही है। असी वितकरियां विच नहीं जीवदे असी तंग दिली विच नहीं जीवदे भी तू कहा कर जिदे पिछे मैं रबाब चुकी फिरदा वो हिंदू मुसलम नहीं है वो किसी जात पात के चक्कर दे नहीं है। अज किसी को पूछो ना तो मनुख ने अपने ते बहुत सारे पर्दे जोड़े है मनुख की वास्तव दे कहो कबीर ए राम की अंश जस का गद पर मिटे न मंस। पर मरदाने की घरवाली ने एक दूजा सवाल खड़ा कर दिता
जे वाकई बाबा नानक हिंदू मुसलमान दे वितकरे तो उच्चा है तो फिर साडे घर भोजन छके कदे नहीं छके। अज पता चल जाना है। मरदाना कहन लगा अच्छा तू भोजन बना तो मैं बाबे नूं बुला के लिया। बाबा मेरा मेरा बाबा ही नहीं मेरा गुरु नहीं बल्कि मेरा यार भी है मेरा मित्र भी है मेरा सखा भी है। मरदाने की घरवाली कहती है मैं भोजन तो बनाती हाँ पर इस डोम इस मुसलमान के घरों उस बेबी कुलभूषण ने भोजन नहीं छकना उस बाबे ने नहीं छकना। मरदाना कह लगा अच्छा फिर यारी भी टुट जाएगी जे नहीं तो फिर जे इस तरह होया तो फिर यारी टुट जाएगी। इधर वो भोजन बनाने लगी है इधर मरदाना चल पे लंबिया सोचा विच किधरे बाबे ने ना किया तो फिर मैं वापस किस तरह घर जावांगा। तरह तरह दियां सोचां च सिर्फ 100 कदम चले रस्ते विच साहिब गुरु नानक मिल पए मुस्कुराउंदे ते सतगुरु पुछदे ने मरदाने किधर चले हैं। मरदाना हथ जोड़ के पुछदा है पातशाह आप किथे जा रहे हो। साहिब कहन लगे सानू अज भुख लगी ते साडा दिल करदा है भोजन तेरे घर छकी अज चल। रो पिया मरदाना कहिंदा घरवाली दे बचना नाल ते मन विच दराड़ पैदा हो गई सी पर जाने जान तुसी सतगुरु दराड़ दूर कर दित्ती तुसी वाकई वितकरियां तो उच्चे हो तुसी वाकई हिंदू मुसलमान दी दुनिया तो उच्चे हो तुसी वाकई मजहबी दुनिया तो बहुत उच्चे हो तंग दिली तो बहुत उच्चे हो। गुरु नानक ने जगत के सामने एक बड़ा विशाल धर्म रखा है सूरज रखा है और उस सूरज नूं हुण लोकी घर विच छुपाउण दी कोशिश पए करदे ने छुपेगा नहीं। इतनी मैरज करा ये थोड़े निक्के जिहे कोठे विच नहीं आण लगा इते विशाल सूरज है ते सूरज उत्ते कोई दावा नहीं कर सकदा। भावें साइंस बड़ी तरक्की कर गई है पर अजे तक किसी ने यह नहीं आख्या भी ये सूरज रशियन है या अमेरिकन है या हिंदुस्तानी है पाकिस्तानी है या चीनी है। सूरज के उत्ते किसी का दावा नहीं। यह गल वखरी है कि अपनी बोली के मुताबिक सन आखन आफताब आखन रवि आखन सूरज आखन यह गल वखरी है पर दावा तो किसी का नहीं ना। यकीन जाणो जे सूरज से दावा नहीं हो सकता तो सूरजा के महासूरज गुरु नानक से भी दावा नहीं हो सकता। इतनी मर्ज कर वो तो सांझे और एक सांझा जिहा धर्म जगत के सामने रखे। उन्होंने जिथे सुमेर पर्वत के योगियों को समझाना है वली कंधारी को भी समझाना है। उन्होंने जिथे हरिद्वार के ब्राह्मणों को समझाना है मक्के के हाजिया भी समझाना है। उन्होंने जिथे आम सन्यासी के संतों को जाना है उत्थे सूफी फकीर को भी जाना वो नेक पुरशों को भी बैठे ने और राक्षसां दे कोल भी बैठा वो तो ऐसा सूरज जिसने हर घर में रोशनी करनी सी ते कीती। सूरज वितकरियां नाल रोशनी नहीं देंदा भई हिंदू दे घर चानना करना है तो मुसलमान दे घर नहीं हिंदुस्तान नूं रोशनी देनी है तो पाकिस्तानियां नूं नहीं। सूरज का यह वितकरा नहीं कि चाइना में सिर्फ प्रकाश करना है तो रूस दे च नहीं करना सब जगह समगर तो महापुरुष समगर होंदे ने। गुरु नानक देव जी महाराज ने जगत के सामने पहली दफा एक सांझी दृष्टि रखी ताकि मजहब के नाम के उत्ते जितने खून खराबे होंगे ये ना तो सतगुरों ने तो कोशिश की हिंदू मुसलमी ना लड़न तो सिखी सिख ना लड़ पाए तो कख समझिया उसने बाणी की खाक समझे। सतगुरु ने तो हिंदू मुसलम के वितकरे दूर करने की कोशिश की सिख ही सिख के विचकार वितकरे खड़े कर दे गए क्षमा करनी हो तो बाणी के अजे नेड़े ही नहीं आया बाणी इसके अंदर वसे बहुत दूर की गल है बड़ी दूर की गल। जैसे जैसे बाणी अंदर वसदी वितकरे खत्म होंगे दुबदा मिटदी विशालता का जन्म होंगे और ऐसा मनुख इंज जगत वास्ते सांझा हो जाता है जिमें सूरज सांझा जिमें वगदी हुई पवन सांझी जिमें ग्रह नक्षत्र सांझे ने जिमें चंद्रमा सांझा इस तरह वह मनुख सांझा हो जाता है और उसकी कोशिश आती है सारियां नूं मित्र बनाना। सबको मीत हम आपन कीना
अगला मित्र बने भावे ना बने उन्हें मित्र समझना है। सबको उम्मीद हम आपन की ना हम सब नाम के साजन ते जिहड़ा बंदा कदम कदम दे वैरी बनाया जाए दुश्मन बनाई जाए गलियां दे कक्ख भी दुश्मन कर छड़े ते नरक दे च जी रहा ते जिन्हें कदम कदम दे मित्रां नूं जन्म दिता है बस उही स्वर्ग दे च है उही आनंद दे च है। कोशिश करिया करो वितकरे एक पासे दुश्मनी एक पासे। ते कई दफा मैं देखदा जिस गुरुद्वारे च आके सारी दुश्मनी मिटाणी है लोकी दुश्मनी दा केंद्र ही गुरुद्वारे नूं बना लैंदे जिथे आके सारे वितकरे खत्म कर देने जात पात मिटा देनी है उसे नूं जात दा केंद्र बना देंदे उसे नूं वितकरे दा केंद्र बना देंदे। ते ओह मनुख ने जो अमृत नूं जहर बनाने की कोशिश करते हैं और एक ओ भगत जन ने जो जहर भी पी लैन ते अमृत हो जाते जिन्हों की कोशिश आती है जहर नूं अमृत करना और कई दफा आम लोगों की कोशिश आती है अमृत नूं भी जहर करना। तो मैं अर्ज कर रहा सी ज्यों ज्यों मनुख के अंदर नाम बाणी का वासा होंदा है रब्बी रस पैदा होंदा है ते ज्यों पहुंचदा है कर्म खंड तक संसार के रैबरी पुरशां ने कहा है इत्थे कुछ चिन्ह प्रगट होणगे। इस्लाम अपने ढंग नाल कहिंदा है इस्लाम कहिंदा है वह बंदा करामाती होवेगा उहदी अपनी खोज है अपने ढंग का कहना है। मुहम्मद साहब नाल उन्होंने बड़िया करामातां जोड़ियां भाई मुहम्मद साहब ने तीर चलाया चंद्रमा के सत टुकड़े हो गए मुहम्मद साहब एक खड्डे विच छुप गए क्योंकि पिछे बहुत वड्डी सेना आ रही सी मकड़ी ने जाला तण दिता उत्थे छुप गए। इस तरह दियां हजारां करामातां उन्होंने मुहम्मद साहब के नाल जोड़ियां कहिंदे ने रब नाल जुड़े मनुख की पहचान होंगी ते पहचान इस ढंग नाल करांगे। इस वास्ते औरंगजेब ने साफ कह दिता सी कि करामात दिखाओ गुरु तेग बहादुर साहब करामात दिखाओ ता असी मनांगे वरना नहीं। करामात दिखाने वास्ते राजी हो गए सन जब भेजे गए बाबा राम राय उन्होंने बथेरियां करामातां दिखा दी और फिर बाद विच गुरु हर राय साहब ने मुंह नहीं लाया कहन लगे नहीं तू तो जादूगरी ते आ गया मदारियां दे खेल करदा रहा एक बादशाह के दरबार विच उस तो डरदा होया उन्हें कहा कि तू दिखाण लग पे और ऐसे मनुख उरार रह जाते हैं। बड़ा जिक्र है ना सिद्धियां का इस तरह के तांत्रिक योगा का इस तरह दियां करामातां का भगतां तो प्रगट होंदियां ने। साहिबगुरु अर्जन देव जी महाराज का वाक है परमाणु पर्यंत आकाशे दीप लो से खंडणे गछैण नैण भारैण नानक बिना साधु ना सिद्धियत। एक स्टेज ऐसी जरूर है कि मनुख अगर चाहे तो अपने आप को परमाणु जितना बारीक कर सकता है परमाणु और फिर आकाशां विच वो उड़ सकता है और नौखंड पृथ्वी का भ्रमण कर सकता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं एक सैकंड दे अख की पुतली जितनी देर थले तो उपर आती है गछैण नैण भारैण नानक बिना साधु ना सिद्धियत। इतनी वड्डी करावात भी मिल जाए तो बिना सतसंग तो बिना सच तक पहुँचे हैं अध्यात्मक रस नहीं मिले। इहदा मतलब रस्ते च कुछ मिलता है तो यह रस्ते की गल ही इस्लाम ने की पहुँच दी नहीं बई वह बंदा करामाती हों करामाती जोड़े उरार होंगे वह भी कर लग पे गोगिया पाशाह बहुत कुछ करता से हिंदुस्तान में बड़े योगी ने बड़ा कुछ करते हैं और लोग उन्हों तो बड़ा प्रभावित हो जाते जमीन के थले दफन हो जाते हैं जिंदा योगी और कहें एक महीने बाद कड़ना एक महीने बाद निकलते हैं जिंदा निकलते हैं। कुंभ के मेले योगियों के बहुत कुछ करतब देखने मिलते कोई कंडिया की सेजा से सो रहा हों कोई अंगारिया पे आ कोई अपने आप को जमीन में दफन कर लेंदा इस तरह की उन्होंने सिद्धियां मिल जाएं। लेकिन इसनों मेरे पातशाह ने मंजिले मकसूद नहीं दसिया। महाराज कहिंदे कुछ होर चिन्ह ने जिन्हों वेखना पैदा गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट किया। इस्लाम ने कह दिता है कि पहुंचे होया कर्म खंड जिहड़ा है वह करामाती होगा। भिरगू कहिंदा वो हथ दे पैर पदम बनेगा वो इंज कहिंदा कि जे पदम नहीं तो वह संत नहीं है जे पदम नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है जे पदम नहीं है तो वह अवतारी पुरश नहीं। भिरगू की कही हुई गल किसी हद तक ऐसी भी सही हुई कि साढ़े देश के दे बहुत सारे अवतारी पुरशों के चरणों या हाथों पदम से
और गुरु अमरदास जी के चरणों में भी पदम से, श्री कृष्ण के चरणों भी पदम से, विष्णु बारे शिवजी बारे भी कहने ने हाथ दे पदम से। बड़िया लंबिया चौड़िया इस तरीके कहानियां। हुण मैं एक गुरु अर्जन देव जी महाराज का वाक थोड़े सामने रखा। यह है फुने छंद, फुने महला पंजवा। फुने कहने पुन एक गल नूं बार बार कहना, फुन का मतलब है बार बार, एक गल नूं बार बार दोहराना। पुन पुन कहना, पुन पुन, पुन का मतलब बार बार दोबारा। फुने छंद, एक छंद दे कोई एक ख्याल बार बार आवे, ऐसे छंदा नूं कहिंदे ने फुने छंद। ओह गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उच्चारण कीते ने, उहदे च हर हां शब्द बार बार आउंदा, हर छंद दे च आउंदा, बार बार आउंदा, और ख्याल भी किसी हद तक इक्को ही चलदे ने। इस वास्ते इस तरह की शायरी नूं हिंदी ते संस्कृत जगत विच कहिंदे ने फुने छंद। यह मेरे पातशाह ने उच्चारण कीते ने फुने छंद दे च। गुरु अर्जन देव जी महाराज का वाक, मेरे हाथ पदम आंगन सुख बासना। जिन्होंने कभी सिलसिलावार पाठ किया होवे उन्हां दे सामने छंद आया होगा, मेरे हाथ पदम आंगन सुख बासना, सखी मेरो कंठ रतन भेख दुख नासना। साहिब कहिंदे ने मेरे हत्थां च पदम बन गए। गुरु अर्जन देव मेरा शब्द है इत्थे साफ, किसी की गल नहीं अपनी गल कर रहे, मेरे हाथ पदम। क्योंकि शायरी की रूपरेखा भी वेखनी आनी है, शब्दों भी वेखना होना है कि की कह रहे हैं, अर्थ बहुत देखना है। मेरे हाथ पदम आंगन सुख बासना, साहब कहने मेरे हिरदे रूपी आंगन दे सुख हो गए, हाथ दे पदम बन गए। भाई हाथ दे पदम किस तरह बन गया? तो पातशाह कहने सखी मेरे कंठ रतन पेख दुख नासना। परमात्मा का जोड़ा नाम है मेरे कंठ च वसया, तो कंठ दे वसद ही हथां पदम बन गए। इंज कहते हूँ इतिहास में पढ़िए तो पदम गुरु अमरदास जी महाराज के चरणों च जरूर से, बाकी किसी पातशाही का इतिहास में कोई जिक्र नहीं किसी का भी। तुम पढ़ना सारा इतिहास, साढ़े को इतिहास है भाई साहब भाई संतोख सिंह जी का लिखा, नहीं नहीं पदम राम के चरणों च भी नहीं से, पदम ब्रह्मे के चरणों च नहीं से, पदम महात्मा बुद्ध के चरणों च नहीं से, पदम स्वामी महावीर के चरणों च नहीं से, लेकिन पदम कई उपनिषदों के ऋषियों के चरणों च से जिन्होंने उपनिषद लिखिया ने। उपनिषद 108 ने यह पदम कहते हैं भिरगु के चरणों च भी से, उहदे अपने चरणों च भी से। और भिरगु की पहुँच बड़ी लंबी से, उन्हें ग्रह नक्षत्रों का बड़ा भारी अध्ययन किया और संसार में ज्योतिष विद्या जी ने यह भी दी, जिन्हों इलमे नजूम कहते हैं, यह उसने दिता। ज्योतिष विद्या इस तो पहले नहीं सी। और यदी गल हर भारती ने मन ली कि करीबन करीबन परम पुरख के चरणों च पदम तो होना ही चाहिए, हथां च पदम तो होना ही चाहिए। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज का वाक, मेरे हाथ पदम आंगन सुख बासना। हुण उस पदम का जिक्र नहीं जो भिरगु कह रहे हैं महाराज, कहिंदे हत्थां च बरकतां आ गईआं, पता नहीं किस तरह आ गईआं, यह कह रहे हत्थां विच बरकतां आ गईआं, पहले नहीं सन, हथ बरकत भरे हो गए। मेरे हाथ पदम, यह हो ही नहीं सकता कि कंठ विच परमात्मा का नाम वस जाए, हिरदा रस नाल गदगद होवे ते हथ दे बरकते आउण, यह हो ही नहीं सकता। हथ विच बरकतां आ जाणगीआं लाजमी। हुण भट्ट भी जिक्र करदे ने, जिन्ना भट्टां दी बाणी है वह गुरु अमरदास जी महाराज का रूप साडे सामने रखते हैं। बारज कर दाहणे, बारज का मतलब है पदम, पदम होंदा है कमल का फुल, इहनूं संस्कृत विच कहिंदे ने पदम। ते मैं शब्द कोश दे च इहदे 18 नाम पढ़े ने कमल दे, इहनूं पदम भी कहिंदे ने, इहनूं सौरभ भी कहिंदे ने, इहनूं कंज भी कहिंदे ने, इनू सारंग भी कहते हैं, ये सारे इसके नाम ने, और इनू बारज भी कहते हैं। फुल एक है, ये बेशतर नाम ने, कई नाम ने, और धार्मिक दुनिया में यह सिरमौर चिन्ह है भी फलाना ते कमल की तरह है। गुरु ग्रंथ साहब भी यही प्रमाण देते हैं, उपनिषदां भी यही प्रमाण देंदियां ने, वेद भी यही कहते हैं
कि इस बंदे नूं ते कमल दी तरह रहण दी जाच आ गई, कि जिन्हों कमल दी तरह रहण दी जाच आ गई, सारे का सारा आप ही पदम हो गया, आप ही कमल हो गया। जापदा भिरगू ने मोटे रूप च गल कह दी, कुछ ऋषि मुनिया ने बारीक गल कह दी, पदम पैरों च ही नहीं होगा तो सारे ही पदम हो जाएगा, मुकम्मल पदम हो जाए। पदम का मतलब कमल, क्योंकि कमल की तरह तो रहिंदा पिया, पर इतनी गल तो भी इनकारी नहीं होया जा सकता, कुछ रेखा ने पैरों दे च हाथ दे च, वो रेखा बिल्कुल कमल की तरह इंज खिड़ी आउंदी, हाथ दे च आउंदी ने या पैरों दे च। तो हुण भट्ट कहिंदे ने, हे गुरु अमरदास जी, बारज कर दाहणे, थोड़े दहने हाथ दे च पदम है। हुण गुरु ग्रंथ साहब दे बाद मैं सारे थोड़े सामने रख रहा, अगर मेरे को गुरु ग्रंथ साहब का आधार ना हो तो फिर मैं बार की गल बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि आधार हो ही कर दा, आधार ही नहीं जिस गल नाल गुरमत सहमत नहीं उसकी चर्चा क्यों करिए, गल क्यों करिए। तो उपनिषदों में भिरगू ने जिस पदम का जिक्र किया, पदम की गल गुरु ग्रंथ साहब भी है, और गुरु अर्जन देव जी तो खुले रूप च कहिंदे ने, मेरे हाथ पदम आंगन सुख बासना, सखी मेरे कंठ रतन पेख दुख नासना। हे सखी मेरे कंठ दे ऐसा परमात्मा का नाम वसे, हथां च पदम बन गए। और भट्ट कह रहे ने, बारज कर दाहणे, हे गुरु अमरदास जी, थोड़े दहने हथ दे पदम है। हुण इतिहास पढ़िए, पदम गुरु अमरदास जी के दहने हथां च नहीं सी, खब्बे पैर विच सी, चरणा विच सी, हथ दे च नहीं सी। इतिहास यही कहता, क्योंकि साहब जो बाहर आके बैठे ने इशनान करके गंगा तो बाहर निकले ना, तो पैरों के जिहड़ा पदम सी वह ब्राह्मण नूं दिखाई दिता, उन्हें एकदम आके मत्था टेकिया, पातशाह थोड़े चरणा च पदम। ज्योतिष विद्या का माहिर सी, इलम नजूम का वह माहिर सी, कहण लगा पातशाह मेरी ज्योतिष विद्या गलत नहीं। और वह ब्राह्मण नाल पिछे चल पिया, सेवादार सेवा करन लग पिया। महाराज कहिंदे ने, तू भुलेखे च है, मेरी सेवा ना कर। ब्राह्मण कहिंदा, नहीं महाराज, पदम है, बीज पे है, ये अंकुरित भी होगा, ये प्रफुल्लित भी होगा। आखिर उस ब्राह्मण दे देखदे हां गुरु अमरदास जी महाराज गुरु नानक की गद्दी ते विराजमान हुए, और अज गुरु अमरदास जी महाराज उस ब्राह्मण नूं बुला के कहिंदे ने, बई साडा दिल करदा है, तू ब्राह्मण होके बड़ी सेवा कीती है, लंगर दी, पंगत दी, संगत दी बड़ी सेवा कीती, तो असी तैनूं कुछ देना चाहते हैं, पर ऐसा देना चाहते हैं जो तेरी मंग हो गई। ब्राह्मण से बड़ा सियाणा से, शायर से, कवि से, भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने इसकी मंग लिखी है। कहिंदा, हे पातशाह, जो नाम देवो धन ना देवो, नाम बिहून जन जमपुर जाए है। जो धन देवो नाम ना देवो, धन बिहून जगत ना सुहाए। ऐ मेरे पातशाह जी, तू धन दे देने ते नाम ना देने, ते नाम तो बिना ते बंदा जन्म मरण दे धक्के खांदा, ते जे तू नाम दे देने धन ना देने ते संसार नहीं चंगा लगता, ते जगत नहीं चंगा लगता, बंदा इस संसार विच ठोकरा खांदा, इस लोक विच ठोकरा खांदा। जो धन देवो नाम ना देवो, नाम बिहून जन जमपुर जाए। जो नाम देवो धन ना देवो, धन बिहून जगत ना सुहाए। गुरु अमरदास ते जो के नंदन, मेरे दोनों पंथ चलाए। ब्राह्मण कहिंदा है, ए तेज भान दे पुत्र, गुरु अमरदास जी महाराज के पिता का नाम सी तेज भान, तेज भान दे इस सुत ने ऐसी बख्शिश की है, मेरा लोक परलोक दोहे सुवेला कर दे, मैनू लोक दिया खुशियां भी दे दित्तियां, मैनू परलोक का आनंद भी दे दिता। तो ब्राह्मण कहन लगा, पातशाह मेरी ज्योतिष विद्या गलत नहीं, मेरा इलमे नजूम गलत नहीं, मैं भिरगू संग्या पढ़ी है, ये गलत नहीं, थोड़े चरणा च पदम है। साहिब गुरु अमरदास जी कहन लगे, ठीक है, तेरी अपनी विद्या किसे हद तक सही है, पर अगां नहीं भी सही, और अगां नहीं सही तो इसका अध्ययन कर। तेरे कोल आत्मक आनंद आ गया, तेरे कोल रस आ गया, दस तेरे चरणा च पदम,
आध्यात्मिक रस उस ब्राह्मण नु मिल गया से, उसकी सुरत जुड़ गई से, उसकी समाधि लग गई से, रब्बी रस तक पहुंच गया से, आत्मिक आनंद तक पहुंच गया से। शायद कहने लगे किसे हद तक सही है, मुकम्मल सही न मनी, बिल्कुल सही न मनी। तो पदम की गल गुरु नानक के चरणा च नहीं है, गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणा च नहीं है, महात्मा बुद्ध के चरणा च नहीं है, स्वामी महावीर के चरणा च नहीं, किधरे किधरे है। उपनिषदों के ऋषि श्री कृष्ण, गुरु अमरदास जी, कुछ होर महापुरुष जिन्हों के चरणों के हाथों में पदम दिखाई देते हैं। तो भट्ट कहते हैं, हे गुरु अमरदास जी, बारज कर दाहणे सिद्ध सन मुख मुख जो है, भाई थोड़े दहने हथ विच बारज है, पदम है, तो सिद्धियां बैठिया ने सामने। रिद बसे बावांग जो तीन लोकांतर मोहे, तो थोड़ा जोड़ा बावांग बाया हथ है, यह भी खाली नहीं, ये रिधियां ने, सज्जे हथ विच पदम है, मुखड़े दे सामने सिद्धियां बैठिया ने। यह सब कुछ किस तरह हो गया? रिदे बसे अकहो सोरस तिन ही जातो, मुखो भगत उचरे अमर गुर इतरंग रातो। हे गुरु अमरदास जी, वो जो एक नाम का रस है ना, एक रस, वो जो थोड़े हिरदे च आण के वसया, हथ विच पदम बन गया, बाएं हथ विच रिधियां आ गई, मुखड़े के सामने सिद्धियां बैठिया ने। जिस सिद्धियां दे लई जगत तरसदा है, वो थोड़े आले दुआले बैठे, थोड़े हथां च ने, इनियां बरकतां। दरअसल महापुरुष सिद्धियां रिधियां तो अगां लंघ जांदा, इतनी मैरिज करदे आ, जो सिद्धियां रिधियां विच रुक गया है, अजे सच खंड करम खंड की छो उसनों नहीं लगी। हो सकता है शर्म खंड तक पहुंचे, क्योंकि शर्म खंड विच मन गड़िया जाता है, उत्थे सिद्धियां मिल जांदियां, पर कई इत्थे रुक जांदे, बहुत सारे रुक जांदे, और सिद्धियां का प्रगटावा भी करन लग पैंदे कई मदारियां की तरह। इस वक्त साढ़े देश एक साईं बाबा है, वह थां थां ते प्रगटावा करता है, केसां दे चों राख कढ़दा है, हत्थां दे चों फल कढ़ लेगा, फुल कढ़ लेगा, घड़ियां कढ़ लेगा, कपड़े कढ़ लेगा, लोग देखते दंग रह जांदे। मैनू इधर मद्रास जाण दा मौका मिलिया विसाखी ते, एक माता कहन लगी, ज्ञानी जी, अजोके युग दे अवतारी पुरुष ने साईं बाबा। मैं कहा गल है, मैं बड़िया बड़िया की संगत की थी, ते बड़े धर्म ग्रंथां का अध्ययन भी किया, पर अजे तक मैनू ये नहीं पता चल सके पूर्ण संत कौन है ते केड़ा नहीं। अजे तक कईयां तो धोखा भी खा जाईदा, कख नहीं पता चल। तैनू किस तरह पता चल गया पूर्ण अवतारी पुरुष ने, तेरे कोल केड़ा पैमाना, तू किहड़े मीटर नाल नाप लिया। मैनू कहन लगे, थानू नहीं पता उहदे केसां च राख निकलदी है, हत्थां चों राख निकलदी, और वह हजारां बंदियां दे सामने कढ़दा। मैं कहे कि मैनू पता है, पर जे तू सिर्फ राख दे ही दर्शन करनी है, तो हिंदुस्तान दे च घर घर दे चुल्हिआं च बथेरी राख पई है, जितनी दर्शन करनी है, रज के कर। महापुरुष की यह कोई पहचान नहीं कि उहदे केसां चों राख निकले, उहदे हत्थां चों राख निकले, मदारियां दा काम है। नाटक चेटक किए कुका जा, प्रबलो गन के आवत लाजा। मन की कागरता तो हो गई, हिरदे की शुद्धि नहीं हुई, शर्मखंड हिरदे की शुद्धि नहीं आती, सिर्फ मन की कागरता हो गई, सिर्फ बुद्धि सही फैसले देती है, सिर्फ चेता करीबन करीबन सही पासे रागद होंदा है, लेकिन पूर्ण तौर पर शुद्धि नहीं आती, अशुद्धि बनी रहती है, पिछे मुड़न की संभावना बनी रहती है, वो जिहड़ियां सिद्धियां रिधियां ने भटका के रख देंदियां ने, और इत्थे आके मनुख धागे तवीजा के चक्कर च भी पै जांदा है, इन्हां निकम्मियां गल्लां च भी पै जांदा है, और इत्थों लोग अक्सर मोड़ा खा जांदे ने। तो खैर, भट्ट कह रहे ने, हे गुरु अमरदास जी, वो एक रस परमात्मा का थोड़े हिरदे च वसया है, थोड़े दहने हथ दे पदम बन गए, और खब्बे हथ दे रिधियां, मुखड़े दे सामने सिद्धियां। तुसीं इन्हां विच लीन नहीं हो, ये थोड़े पिछे ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का एक वाक मैं थोड़े सामने रखा, जिस तों पता चलेगा मेरे पातशाह कितने अगान है। कृष्णा अवतार के अंदर इस सतगुरु का एक छंद है, दसम ग्रंथ में महाराज इतने कहने ने, जो किछ इच्छ करो धन की, तो चलियो धन देसन देश ते आवे, और सब रिधन सिद्धन पे हमरो नहीं नैक ही आलल चावे। श्री मुखवाक पातशाही दसवीं साहब कहने ने, हे अकाल पुरख, तेरा नाम जपदिया जपदिया मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अंदर हुण धन की मंग नहीं, मैं नहीं मंगता तेरे को, और कतई नहीं मंगता। जो किछ इच्छ करो धन की, धन की इच्छा रखने वाला मनुख अजे धन तक पहुंचे है, इतनी मैं अर्ज कर दें, धन तो अगे नहीं लंघे, वो इतना अगे लंघ जाए कि धन उसके पिछे चले, पर जे वह धन के पिछे चल रहे अजे धर्मी नहीं, इतनी मैं अर्ज कर दें,
ते पहचान है। जो धन के पिछे चल रहे हैं अजे धर्मी नहीं, तो जो धर्म के पिछे चल पैंदा है धन उसके पिछे चलता है। तो साहब कह रहे हैं जो किछ इच्छ करो धन की तो चलियो धन देशन देश ते आवे, देशा देशांतरा तो धन दियां पंडा आप ही चल के आ रही हैं मेरे पिछे, मैंने लोड़ भी नहीं, मेरी इच्छा भी नहीं, मैं इच्छा भी नहीं की थी। जो किछ इच्छ करो धन की तो चलियो धन देशन देश ते आवे, और सब रिद्धन सिद्धन पे हमरो नहीं नैक ही आलल चावे। साधु संत रिधियां सिधियां चाहते ने, हे अकाल पुरख ना मैं मंगदा ना है मैनू चाहिए, मैनू लोड़ ही नहीं, मैं कतई इन्हां रिधियां सिधियां का मुतलाशी नहीं, मैनू नहीं चाहिए। जिस वक्त मेरे पातशाह पौंटा साहब दसम ग्रंथ की रचना कर रहे सन, उत्थे लिखा है सतगुरां ने पौंटा साहब विच, 52 कवि भी उत्थे ही नाल सन। एक दिन शिकार खेड़दे खेड़दे सतगुर बहुत दूर चले गए, तो दोपहरां ढल गई, शाम नूं जो वापस आने लगे, तो गर्मियां दे दिन सन, हिंदुस्तान की गर्मी, एक योगी चारों पासे धूणा तपा के बैठा से, अग बाल के विचकार बैठा से। ते साहब कहन लगे योगी राज उंज ही बड़ी गर्मी है, सूरज बड़ा तपया पिया, इतनी गर्मी ते तू चारों पासे अग बाल के बैठा है, शरीर नूं इतना नहीं सताना चाहिए। उस परिपूर्ण परमात्मा ने इतना कोमल ते इतनी कीमती काया दिती है, इसनूं काया नूं इस तरीके नाल भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। योगी कहन लगा महाराज थानू पता ही नहीं, तन दे तपाण दे नाल परमात्मा सिद्धि प्राप्त होंदी है, परमात्मा मिलता है। पता सतगुरां ने उत्थे की आख्या है, बकायदा अकाल उस्ताद विच दर्ज है, ताप के किए ते जोपे पाइए अताप नाथ, तापना अनेक तन घायल सहत है। तन दे तपाण नाल जे रब मिलदा होवे ते जिन्हां नूं बुखार चढ़िया उन्हां नूं रब मिलना चाहिए। 104 डिग्री का बुखार चढ़िया होवे धूणा तपाण की की लोड़ है, आपे ही धूणा तपिया ते पिंडा ते बलदा ते। जाप के किए ते जो पे पाईए अजाप नाथ, पूजना सदीव तू ही उच्चर है। तू जिहड़ा जाप करदा पिया ते इहदे नाल भी किधरे रब मिलदा होवे ते। हिंदुस्तान विच इक पंछी उहनूं पूजना कहिंदे ने, कबूतर तो थोड़ा जिहा छोटा हुंदा, उहदी आवाज़ है तू ही तू ही तू ही, इंज बोलदा जिथे बैठा हो बोलदा। पंजाब विच भी है, मध्य भारत विच है, गर्म इलाकों च है, जिथे जिथे गर्मी पैंदी है ये पंछी है, और इहदी बोली है तू ही तू ही। साहब कहिंदे जाप करन दे नाल रब मिलदा होवे, निरी जबान नाल रटन करदे हां ते इहनूं मिलना चाहीदा इस पंछी। नभ के उड़े ते जो पे पायत नारायण, अनल आकाश पंछी डोल बो करत है। उपर आकाशां विच उड़न दे नाल जे रब मिलदा होवे ते अनल पंछी हुमा पंछी उते उपर ही रहिंदा। कहिंदे ना हुमा अनल इतना उच्चा उड़दा है जिथे जमीन की कशिश खत्म आउंदी, इतना उच्चा उड़दा। इहनूं परशियन विच हुमा कहिंदे ने, इहनूं संस्कृत विच अनल पंछी कहिंदे ने। अनल इहदा करीबन करीबन परशियन दे ग्रंथां विच ते हिंदुस्तान दे सारे धार्मिक ग्रंथां विच जिक्र है। कहिंदे ने मुगल काल विच इतना इस पंछी का शिकार होया कि अब इसकी नस्ल नहीं रही। उन्हें सुरखाब हुमा ते अनल तीन नाम कहे जाते सन। मुगल शहनशाह इसके पंख अपने ताज दे चलांदे सन, ते एक आम तकिया कलाम बन गया भी तू कोई सुरखाब के पंख लाए, इंज कहिंदे सन। सुरखाब उहदे पंख बहुत खूबसूरत, बड़े कोमल और बड़े कीमती, मुगल शहनशाह ताज दे चलांदे सन। इतना शिकार होया, एक एक पंछी हजारा अशरफियां का बिकदा से, इतना शिकार होया कि नस्ल खत्म हो गई। हुमा अनिल जमीन तो बहुत उच्चा उड़ता है जिथे जमीन की कशिश खत्म होती है, जिथे हवा का दबाव खत्म होता है, इतना उच्चा जाता है और उत्थे सौ रहा हवा दे। अनिल आकाश पंछी डोल बो करत है, ऐ योगी जिहड़ा तुम आकाशां विच भ्रमण करदा है, इहदे नाल रब मिलदा होवे ते अनिल पंछी नूं मिलना चाहिए। किहड़ियां निकमियां सिधियां विच पै गए, किहड़े निकमे चक्रां विच पै गए। कहिंदे ने इह वाक सुन के योगी बाहरों तां तपिया होया सी, अंदरों भी तप गया। उहनूं बड़ा गुस्सा चढ़िया, बई सतगुर ने इह मेरी तोहीन कीती। कहन लगा महाराज तुसी जाना कित्थे, पहले ये दसो। महाराज कहन लगे वह साडा पौंटा अस्थान है, असीं इत्थे जाना है, होर कित्थे जाना है। योगी कहन लगा ये दसो ये जमुना किस तरह पार करोगे।
तो महाराज कहने को सामने बेड़ी खड़ी है, मला नूं आवाज मारांगे बेड़ी च बैठांगे पार हो जावांगे। सतगुर बेड़ी च बैठ गए, मला बेड़ी चलांदा पे, वह जोड़ा योगी सी ना वह पानी के उत्ते चलन लग पे। इतिहास कहता चलन लग पे तो मजाक करे भी ये दसवें गुरु नानक ने, यह जगत गुरु ने, यह वक्त के रैबरी पुरश ने, जमुना पार कर नहीं सकते, भाव सागर किस तरह पार करे। जमुना पार करने वास्ते बेड़ी चाहिए, जमुना पार करने वास्ते मला चाहिए, तो यह भाव सागर तो जगत को पार करे। ये ताना मारे कुछ योगी, थोड़ी देर तो बाद सतगुरु पार हो गए, योगी भी पार हो गए। पातशाह ने चार दमड़े उस योगी की हथेली ते रखे, उस मला की हथेली ते रखे। मला ने पैरों ते कदम बोसी पीते, सतगुरु ने उसनों असीस दिती। ते फिर महाराज उस योगी नूं कहिंदे ने, ए दस ये जिहड़ा तू पानी देते चल के आया, ये ते दस ये सिद्धि तैनू किवें मिली। महाराज मैं 6 साल तक लगातार गर्मियां विच धूणे तपांदा रहा, सर्दियां विच जलधारा, जब पौमां दियां ठंडियां रातां जलधारा, इतने गहरे पानी विच खड़े हो जाना गर्दन तक, उत्थे मंत्र दा रटन करना, इहनू कहिंदे ने जलधारा, या थले बैठ जाना ते घड़े विच इक छोटा जिहा सुराख करके उहदे विच पानी दी धार सिर दे उत्ते पैंदी रहे सारी राह ठंड दे दिनां च। और बार पातशाह ने सर्दियों के जलधारा की है, गर्मियों के धूने तपाए ने, यह सिद्धि मैं मिल गई है। महाराज कह लगे तेरे 6 साल की जी तपस्या है ना, वो कीमत 4 दमड़े, इस तो ज्यादा कुछ ना। असी 4 दमड़े दिते ने जमुना तो पार हो गए, तू 6 साल की तपस्या अगे की है, जमुना तो पार हो तो जोड़ा कम 4 दमड़िया आंदा जिंदगी 6 साल नहीं बर्बाद करने चाहिए, भ्रष्ट नहीं करने चाहिए। असी संसार की जिंदगी भ्रष्ट नहीं करनी, जीवन सिर्फ इस वास्ते नहीं कि बंदा पानी देते चल लवे। जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जग, आग के बछैया सो चकोर समझानी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जल जुलाहा होंदा है पंजाब के दरियावां च, वो चलदा है पानी देते चलदा है, तैरदा नहीं। तो महाराज कहिंदे तू चल लिया तो जल जुलाहा भी चलता पिया, फर्क की है? वो कोई महासिद्ध बन गए, वो कोई भगत बन गए, उन्होंने कोई रब मिल गया, किहड़े निकम्मे चक्करां च तू योगी पिया। तो साहब दसवें ग्रंथ के कृष्णा अवतार के छंद साफ कह रहे हैं, जो किछ इच्छ करो धन की तो चलियो धन देसन देश ते आवे, और सब रिद्धन सिद्धन पे हमरो नहीं नैक हियास ललचावे, और सुनो कछ जोग बिखे कर कौन ए तो तप के तन तावे। साहब कहने हे अकाल पुरख होर सुन, इंज पै गल कर दे आमने सामने, हे रब होर भी सुन ले, मैं योग साधना नहीं करनी, कौन दूने तपावे, कौन प्राणायाम करे और कौन जलधारा करे, मैं कोई योग साधना करन नु तैयार नहीं। और सुनो कछ जोग बिखे कर कौन ए तो तप के तन तावे। तो जपदा अलहाम होया भी कुछ ना कुछ तो इच्छा होवेगी, रिद्धियां की इच्छा नहीं, सिद्धियां की इच्छा नहीं, धन की इच्छा नहीं, योग साधना की तड़प नहीं, तो मनुख का जोड़ा मन है ये अमंग तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ मंगते रहेंगी। फिर की है, की चाहत है थोड़ी? संसार जीवदे जागदे मनुख बारे एक कथा है कि जब लग श्वास तब लग आस, श्वासों के नाल कुछ ना कुछ आसा चलती है, और जे आसा ना हो बिल्कुल बंदा निराश हो जाए तो कहने ने दो हालत वापर दियां ने, या बंदा आत्महत्या करेगा, खुदकशी करेगा, निराश बंदे खुदकशी कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, या उस हालत में बंदा समाधि में चला जाता, दो ही हालत ने, तीजी कोई हालत नहीं, बिल्कुल निराश, कोई भी आशा नहीं, खुदकशी करेगा जरूर, आत्महत्या करेगा, या फिर रब का मार्ग चुनेगा परमात्मा का, और कोई तीसरा रास्ता ही नहीं। भी जीवदे जागदे मनुख के अंदर कुछ ना कुछ तो इच्छा होती है, की तड़प है, फिर की इच्छा है? सतगुरु चौथी पंक्ति च अपनी इच्छा दसते हैं, और सुनो कछ जोग बिखे कर कौन इतो तप के तन तावे, झूझ मरो रण मैं तज भय तुम ते बस श्याम अह बरपावे। रण भूमि देच मजलूमा दी खातर देश दी खातर झूझदा झूझदा लड़ मरा शहीद हो जावा, ये अकाल पुरख इस तो बिना होर कोई चाहत नहीं,
इस तो बिना होर कोई मंग नहीं, इस तो बिना होर कोई इच्छा नहीं रही। सिर्फ मजलूमा की खातर कुर्बान होने की इच्छा, सिर्फ देश की खातर निछावर होने की इच्छा है, सिर्फ देश की संस्कृति को बचाने की इच्छा है, और कुछ नहीं, कोई इच्छा नहीं। और सतगुरु ने वाकई अपनी समुची जिंदगी इसे ढंग नाल बतीत की। किधरे पिता वारे है, किधरे बच्चे वारे ने, किधरे अपने आप को कुर्बान किया देश के धर्म के उत्तों, देश की सभ्यता के उत्तों, मजलूमों की रखिया की खातर। खैर तो एक हालत बन गई है जिसन हिंदू ऋषि मुनिया ने तो कह दिता कि पदम बनता, योगियों ने कह दिता कुछ सिद्धियां मिलदियां ने, इस्लाम ने कह दिता कुछ करामात मिलती है, तो सतगुरु की बाणी कुछ होर कहती है, वो हत्थों च बरकत आन गई। पदम की गल ने बारज कर दाहणे सिद्ध सन मुख मुख जो है, हे गुरु अमरदास जी थोड़े दहने हथ विच बरकत आ गई, बड़िया बरकत भरा ते हथ है। कहिंदे ने शाम नूं देगा मोदियां कर देंदे सन गुरु अमरदास जी, बरकत चलदियां रहिंदियां सन। एक प्रत्यक्ष गल करके दिखाई, हथ विच बरकत, आले दुआले सिद्धियां और बाएं हथ विच रिधियां पिछे चल रही, सिद्धियां पिछे रह गई ते अगे लंघ गए। नौ निधि अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिरन, जो हर हिरदे सदा वसाए। इस तरह दियां शक्तियां जिहड़ियां प्रगट होंदियां ने कदमां विच क्रांति, बचनां विच सत्या, हत्थां विच बरकत, कह दिंदे ने करम खंड तक पहुँच गए। ये हो ही नहीं सकता कि करम खंड विच पहुंचा होया मनुख उहदे कदमां विच कोई क्रांति ना होवे। उहदे कदम अगर मक्के जाणगे तो कुछ गल होवेगी, उहदे कदम अगर सुमेर पर्बत ते जाणगे तो कुछ गल होवेगी, उहदे कदम अगर हरिद्वार चले गए तो कुछ गल होगी, और उहदे कदम अगर सज्जन ठग कोल भी चले गए तो कुछ गल होवेगी, जरूर होवेगी। क्योंकि कदमां च क्रांति है, बचना च सत्य है, हत्थां च बरकत है। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर ना कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रहा भरपूर। पर इत्थे कोई जोधे महाबली पहुंचते ने, कमजोर बंदे ने, कमजोरों का एक कम ने, ताकतवर पहुंचते ने, महाबली पहुंचते हैं। तिन में राम रहा भरपूर, उन्होंने राम भरपूर है मुकम्मल रूप से, वह राम दे ने, वो राम उन्होंने है। तिथे सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप न कथने। और असी अपने अरदास दे ये शब्द जोड़े हुए हैं कि सही संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्हें मिलिया तेरा नाम चेतिया। वाकई कई मिलन नाल भी गल बनती है, जरूरी नहीं कई मिलन नाल भी, ता ही तो असी शब्द अरदास दे ये जोड़े ने, सही संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्हें मिलिया तेरा नाम चेतिया, जिन्हें डिसंदड़िया मेरी दुरमत वंजे, मित्र असाजड़े से। शिव जी लोचदा ऐसे पुरुष नूं, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महसुर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। शिव जी कहिंदा हे प्रभु किसे ब्रह्म ज्ञानी दे दर्शन करा, तलाश पिया करदा शिव जी, खोजदा पे, सीता खोज रही है, राम मंग करदे ने हे प्रभु किसे किसे ऐसे पुरुष दे दर्शन करा जो कर्म खंड दे पहुंच गया, जो बख्शिश दे खंड दे पहुंच गया। ते बख्शिश दे खंड दे पहुंचा होया मनुख ज्यों अपने अंदर झाक मारदा है ते अपने विच रमिया होया, वह परमात्मा नूं वेखदा है ते खुद नूं परमात्मा विच व्यापक वेखदा है। इस वास्ते साहिब कह दिंदे ने कि सच खंड वसे निरंकार, उत्थे पहुँच के निरंकार ते व्यक्ति विच कोई फर्क नहीं रह जांदा, पर उत्थे पहुँचे होए कोई कर्म खंडियां दा मेल मिला, कोई सच खंडियां दा मेल मिला। जो सच खंड तक पहुंचे ने परमात्मा दे, ते उन्हां दे कोई भेद नहीं रह जांदा। भगत कबीर कहिंदे ने अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पछाने। हुण कबीर राम हो गया है, राम कबीर हो गया है, गुर कृपा जय नर को कीनी तैं जुगत पछाने, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। इत्थे गोबिंद दे च लीनता ऐसे नसीब हो गई जैसे नदियां सागर दे च समा जांदियां ते सागर दा रूप हो जांदियां ने। पंज खंडां दी तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं थोड़े सामने व्याख्या रखी है, इतनी मैं अर्ज करदे हां कि पंज खंडां दी विचार कोई समाप्त ना समझना, इंज कह लो समा समाप्त है या मेरी विचार करन दी जिहड़ी समर्था है वह समाप्त है, शब्द नहीं समाप्त। बंदा करोड़ां जन्म भी धारण कर लवे, गुरु नानक दे किसे शब्द नूं समाप्त नहीं किया जा सकता। किस तरह समाप्त करेगा, बंदे च ताकत ही नहीं है, बंदे च समर्था नहीं है, इस दे लंबे चौड़े विस्थार ने।
जितनी एक सोच गुरु ने दिती सी ते दावा मेरा नहीं कि मैं सही विचार तुहानू सुनाईआं ने, ऐसा मेरा दावा भी नहीं। जितनी सोच से जितनी समझ से इन्हां पंजां खंडां की कुछ गल मैं थोड़े सामने रखी है ते बैठ के इतना जरूर निर्णय करना असी कित्थे खड़े हां, धर्म खंड दे च, ज्ञान खंड दे च, सरम खंड दे च, करम खंड दे च, या सच खंड दे च। सच खंड दे च पहुंचे हुए मनुख नूं संसार नहीं दिखाई देगा। तुसी आखोगे की दिखाई देगा, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, उन्हूं ये दिखाई देगा। उन्हूं बंदे नहीं दिखाई देणगे, गोविंद दिखाई देगा। उन्हूं पशु पंखी नहीं दिखाई देणगे, गोविंद दिखाई देगा। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, सचखंड तक पहुंचे है पुरुष। कहिंदे गोविंद तो बिना होर है ही नहीं, कित्थे संसार है ही नहीं। सूरज नहीं दिखाई देता, रब दिखाई देता। चंद्रमा नहीं दिखाई देता, रब दिखाई देता। पशु पंखी नहीं दिखाई देते, गोविंद दिखाई देता। मनुख नहीं दिखाई देते, गोविंद दिखाई देता। पहुंच गया ये मनुख सचखंड तक। मेरे पातशाह बख्शिश करन, साड़ी भी दृष्टि वो बने कि हर पासे गोविंद ही गोविंद दिखाई देवे और जिंदगी का जोड़ा मुख मकसद है इसनों असी प्राप्त कर सकीए। तुझ बुद्धि अनुसार ये विचार थोड़े सामने रखिया ने, बाकी जिमें होर कोई खुली विचार कल आरंभ हुई थोड़े सामने रखांगे। अज इत्थे ही समाप्ति, बोल के भुलेखे मां दी याचना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।